सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्ते। आप सभी का इस CMPC यूट्यूब चैनल पर स्वागत अभिनंदन। वैसे तो आपको पता ही है कि आपको आपके इस चैनल के माध्यम से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लगातार करवाई जा रही है। RPSC फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने वाले भी और RPSC सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने वाले भी, इन सभी के लिए क्लास 11th से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक का कोर्स वैसे तो मैंने करवा दिया है, मैंने फिर से स्टार्ट किया है, आपको पता ही है। और इसके अंदर अभी जो चल रहा है, और आपको ये पता होगा कि जो नए सिरे से जब मैंने स्टार्ट किया बेसिक से, ग्राउंड लेवल से, जीरो लेवल से, तो इसके अंदर इसको मैंने न्यूटन सीरीज़ के नाम से मतलब स्टार्ट किया है, ताकि आपको एक डिफरेंस पता चल जाए पहले वाली क्लास और नई क्लास के बारे में। तो नई क्लास न्यूटन सीरीज़ के नाम से है। तो आप आज की इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे रैखिक अवकल समीकरण। आपको पता है कि अवकल समीकरण का जो बेसिक पार्ट है वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, बिल्कुल 12th लेवल से स्टार्ट किया है मैंने, और मैं ठेठ ग्रेजुएशन लेवल तक का जो बेसिक लेवल का जो पार्ट है मैं वहाँ तक जाऊँगा। बीच की क्लासेस हालांकि मैंने ग्रेजुएशन लेवल का जो है कंटेंट पूरा का पूरा मैंने पहले ही शूट कर लिया है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स के ऐसे कमेंट आए थे कि ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करें, तो फिर मैंने उन वीडियोस को एक बार का ब्रेक कर रखा हुआ है। पहले मैंने ग्राउंड से स्टार्ट किया है, ताकि शुरू से जिनको दिक्कत आ रही है मतलब वो समझ जाए और आगे वाला पार्ट समझने में दिक्कत नहीं आए। यूँ तो आपको पता है कि ये जो क्लासेस है CMPC चैनल वाली, ये सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क है। ध्यान रखना, इस पे आपको कहीं पर कोई भी पेड कोर्स नहीं मिलेगा, कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना है। मैंने कहा ना, बिल्कुल आपको निःशुल्क ये क्लासेस उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अंदर जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं ख़ास तौर से, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है और 12th क्लास से स्टार्ट किया है, और बिल्कुल मैं चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज चल रहा हूँ। मैंने 9.1 करवाई, 9.2 करवाई, 3 करवाई, 4 करवाई, और आज मैं जो लूँगा 9.5 में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वो मैं इसके बाद लूँगा। ये जो हेडिंग डाल रखा है मैंने, ये 9.6 का है, जो कि लास्ट चैप्टर है 12th क्लास का, लास्ट एक्सरसाइज है इसकी। तो आज मैं रैखिक अवकल समीकरण जो है वो पहले ले रहा हूँ, इसके बाद मैं 9.5 लूँगा जो होमोजीनियस है। हालांकि कुछ नहीं, किसी को भी पहले करो बाद में करो, मैंने ये हेडिंग पहले डाल दिया था तो इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स जो एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ज़रूर जुड़े, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और क्योंकि RPSC और की जो एग्ज़ाम्स हैं अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो इस वजह से आपको डिटेल से शुरू से स्टार्ट करना चाहिए, और मैं बिल्कुल बेसिक से इन चीज़ों को ले रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, और सारे डिटेल करवा रहा हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। अगर प्रोसेस समझ में आ गया तो आपको सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम स्टार्ट करें रैखिक अवकल समीकरण। लेकिन मैंने कहा ना, कोई पेड कोर्स नहीं है, निःशुल्क क्लासेस हैं। आप केवल चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप डेली रात 8 बजे इन इस क्लासेस के लिए आप प्रिपेयर हो जाएं। मैं आपको डेली 8 बजे मिलूंगा, ठीक है ना, केवल आज की बात ही नहीं है, तो आप बिल्कुल लग जाएं। हमारा टॉपिक है रैखिक अवकल समीकरण। देखिए, धीरे धीरे टॉपिक का लेवल बढ़ता जा रहा है, कुछ चीज़ें हमेशा मैथ्स में याद रखनी पड़ती है, ठीक है। पैटर्न को अलग अलग डिफरेंट करना पड़ता, अभी तो मैं अलग अलग करवा रहा हूँ, जब क्लासेस पूरी हो जाएगी तब मैं जो RPSC और जो JEE मेंस वगैरह में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके, उन क्वेश्चंस को मैं लूँगा, और फिर क्वेश्चन को देख के पता लगाना पड़ेगा आपको कि ये क्वेश्चन होमोजीनियस का है या डिफरेंट अपने लीनियर का है, या सेपरेशन मेथड का है, या कोई अलग मेथड है। ये पहचान कब हो पाएगी, जब आप इन सबको एक बार अलग अलग करके देखेंगे। रैखिक अवकल समीकरण जो है उसके अंदर दिमाग में, अब जैसे मुझे पहले पता है क्योंकि मैंने कर रखा है, तो जैसे ही ये नाम आए आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए, एक किस तरीके का पैटर्न हो। देखिए, रैखिक अवकल समीकरण के लिए आपको ध्यान रखना होगा, सब जो आपको अवकल समीकरण है उसको आपको बिल्कुल इस फॉर्म में रखना होगा, या तो वो इस फॉर्म में होगा
और नहीं होगा तो आपको इसके अंदर बदलना पड़ेगा, dy by dx plus py equal to q। ये आपका रैखिक अवकल समीकरण का मानक रूप है, ठीक है। और इसके अंदर p क्या है, फंक्शन ऑफ x, और q क्या है, फंक्शन ऑफ x। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, हमेशा dy by dx जो चीज यहाँ यहाँ y है तो यहाँ y आना चाहिए, और p जो है वो x का फंक्शन होगा हमेशा, q भी x का फंक्शन, p x का फंक्शन, q x का फंक्शन, यहाँ जो होगा वो यहाँ होगा ये x, या dy by dt है तो p t का फंक्शन होगा, q भी t का फंक्शन होगा, ये dz by dx है तो यहाँ जेड बनेगा, जैसे ये वाई है तो ये वाई है, ऐसे जमाना पड़ेगा, यहाँ जेड है डी के साथ में, ठीक है, यानी जेड का कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट। अपन जानते ही हैं, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वाई वाई, ठीक है, और पी और क्यू दोनों किसके, एक्स के फंक्शन होने चाहिए। जब इस फॉर्म में आ जाए तो आपको इसको दो पार्ट में काम करना पड़ेगा। पहला पार्ट तो ये है कि आपको इसके अंदर आई एफ निकालना, इंटीग्रल फैक्टर, और वो होगा ई पावर पी डी एक्स। आपको इस तरीके से पहले ये निकालना पड़ेगा समाकलन गुणांक, और सेकेंड पार्ट में आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन मतलब फॉर्मूला, ध्यान रखना, वाई आई एफ यानी जो आप निकालेंगे, ठीक है, फिर इक्वल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, ये क्यू यहाँ, ठीक है, और डी एक्स प्लस सी, ये इसके अंदर आपके आ जाएगा सॉल्यूशन, वाई आई एफ इक्वल टू क्यू डी एक्स प्लस सी, ये इसके अंदर आपको ध्यान रखना, बस ये करा गया, ये दो काम किया, इसके अंदर वैल्यू पुट की और आपका आंसर है। इसके अंदर एक पैटर्न और आएगा, ध्यान रखना, अगर ये डी एक्स बाई, बहुत सारे क्वेश्चन अपोजिट होते हैं, डी एक्स बाई डी वाई में सेट होते हैं, तो जैसे ही एक्स ऊपर आएगा तो यह एक्स बन जाएगा, और पी और क्यू किसके फंक्शन हो जाएंगे, वाई के, और वैसे ही यहाँ क्या करेंगे आप, आई एफ में क्या चेंज होगा उस कंडीशन में, पी डी वाई, और यहाँ एक्स आई एफ इक्वल टू क्यू डी वाई प्लस सी बन जाएगा। ये आपका अवकल समीकरण का पैटर्न। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, 9.6, 9.5 जो है होमोजीनियस वाली है, तो हम इसके बाद में करा दूंगा मैं आपको, ये लास्ट है इसकी, 12वीं क्लास की जो बुक है आपकी, और मैं इसमें से डायरेक्ट जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर, जैसे एक काम करते हैं, ये एग्जांपल ही ले लिया मैंने, एग्जाम्पल नंबर 20, ठीक है, और ये कह रहा है कि x, क्वेश्चन दे रखा है आपके x dy by dx और प्लस 2y, यहाँ y ये तो देखो, यहाँ आपको पहले पता होना चाहिए कि यहाँ y आना ही चाहिए, और इक्वल टू आपके ये x स्क्वायर, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन है। और वहाँ पर सामान्यतया आपको मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, 12वीं क्लास वालों के लिए पूरा प्रोसेस चाहिए होता है, जो एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं, चाहे सीबीएसई का दे रहे हैं या आरबीएससी का, और जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले दे रहे हैं, तो आपको उसको शॉर्ट में करना होता है, तो पहले आप लंबा प्रोसेस देख लें। यहाँ सबसे पहले मैंने कहा ना, डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक या एक है, तो आप इसमें एक्स से इसको डिवाइड कर लें, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू अपॉन एक्स वाई, एक्स से इसको डिवाइड किया, ये एक्स, आप देख लो इस फॉर्म में आ चुका है, ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, पी आपके पास में क्या हो गया, टू अपॉन एक्स, क्यू आपके पास में एक्स हो गया। हमारा पहला काम क्या होगा, इंटीग्रल फैक्टर ई पावर पी डी एक्स, ई पावर पी की जगह आप क्या पुट करेंगे, टू अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये क्या बन गया, ई पावर टू और लॉग एक्स, ठीक है, ये ऊपर भेज दें आप, ई पावर
लोग एक्स स्क्वायर, ई से लोग एक लोग कैंसिल, तो फाइनली आपके ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर। ये क्या है आई एफ, जिसको अपन कहाँ यूज करेंगे, ये पहला काम हो गया, यहाँ यूज करेंगे। क्यों? देखिए इसके अंदर एक मिस्टेक हो गई है, इसके अंदर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ चलो मैं इसको सही कर लेता हूँ, क्यू के साथ में आई एफ भी आएगा। ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में ऐसा ही होता है, आई एफ प्लस सी। देखो कितनी बार क्या होता है इस तरीके से जल्दबाजी में करते हैं ना, तो अब मुझे अचानक यहाँ कैसे याद आ गया है, क्योंकि क्वेश्चंस को पहले कितने बार देखे हुए हैं, समझे हुए हैं, तो मुझे अपने आप इस चीज़ की ज़रूरत कहाँ होती है, इस चीज़ की चेयर कहाँ कहाँ है। मुझे पता है कि इस चीज़ की चेयर दो जगह है, ध्यान रखना ये। तो मुझे लगा कि ये केवल एक जगह कैसे रह गया, दूसरी जगह कहाँ गई, दूसरी चेयर कहाँ गई इसकी। तो ये बार बार प्रैक्टिस का नतीजा है, ठीक है ना, तुरंत याद आ जाएगा जो मैंने यहाँ गलती की थी वो तुरंत पकड़ में आ गई। तो अब यहाँ पर ये आ चुका, अब आपका दूसरा काम क्या होगा, बस डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखें आप। तो सॉल्यूशन क्या है, वाई आई एफ इक्वल टू क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। फॉर्मूला हमेशा आप लिख लिया करें ताकि आपको यह याद हो जाएगा, एक आदत डाल लें कि इन चीज़ों को जमाने के लिए पहले आपको चेयर्स प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इन चीज़ों को कहाँ बिठाओगे, बैठने के लिए कुर्सी तो चाहिए ना पहले, तो जो फाइंड किया है उसके लिए चेयर आ जाएगी। और आई एफ आपके पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर, क्यू आपके पास में क्या था ये एक्स, ठीक है, तो ये एक्स और ये आई एफ आपके पास में एक्स स्क्वायर है डी एक्स प्लस सी। तो ये आपके इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये एक्स क्यूब बन जाएगा और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स फोर अपॉन फोर प्लस सी, और ये आपके फाइनली बस हो गया, यही छोड़ दें आप, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वन अपॉन फोर एक्स फोर प्लस सी, ये इसका आंसर बैठ जाएगा। आप चाहें तो y की वैल्यू निकाल कर एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दें, कितनी बार ये आंसर इस फॉर्म में भी आता है ध्यान रखना, y की वैल्यू क्योंकि कर्व y इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 1 अपॉन 4 और ये एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स पावर माइनस 2, इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके इसका पैटर्न है बिल्कुल, इसके अंदर इसको अपन व्यापक हल कहेंगे, ठीक है, आंसर आ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। अब मैं इस क्वेश्चन की जगह अब मैं क्वेश्चन नंबर ले लेता हूँ, इसके अंदर हर बार का पैटर्न मैंने कहा ना एक ही रहेगा, ठीक है, मैं यहाँ तक इसको छोड़ देता हूँ और इस पूरे टर्म को हटा देता हूँ, क्योंकि जो चेयर्स चाहिए अब इन चेयर्स पर दूसरे लोग बैठ जाएंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मान लो मैं क्वेश्चन नंबर ले लेता हूँ इसके अंदर एक्सरसाइज का 9.6 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, फर्स्ट वाला भी सिंपल ही है, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपके उसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है देखिए dy by dx प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स, ये आप सॉरी ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन है ध्यान रखना। तो इसके अंदर क्या थोड़ा इंटीग्रेशन आई एफ थोड़ा लंबा जाएगा, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 है 9.6 का, तो इसमें आपके क्या थोड़ा वो लंबा जाएगा, इसलिए मैंने इसको लिया नहीं है। सीधी सीधी बात है, इसके अंदर आपके जो आई एफ बनेगा वो क्या बनेगा, वो ई पावर पी डी एक्स, पी कितना है 2x, ठीक है, इंटीग्रेशन डी एक्स और ये 2 ओनली है ना, x नहीं ये, और तो इसको आप अगर करेंगे तो ये तो आपके आ जाएगा कि e पावर 2x बन गया, लेकिन जैसे ही आप यहाँ सोल्व करेंगे तो ये उस कंडीशन में आपके y और if जो बना है आपके e पावर 2x और इंटीग्रेशन q आपके पास में sin x और ये e पावर 2x dx प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रेशन थोड़ा लंबा जाएगा, इसके इंटीग्रेशन
को मैंने अच्छी तरह से करा रखा है। 7.5 जो है 12वीं क्लास की बुक का, उसके अंदर इसके दो तो एग्जाम्पल दे रखे हैं और दो क्वेश्चन इस पैटर्न के हैं। आपके पास इसका एक फॉर्मूला भी है, तो जब जरूरत पड़ेगी तब मैं इसकी बात करूंगा। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो आपको इस तरीके से करना, बस इसको सोल्व कर लें, इसका इंटीग्रेशन कर लें, ये आंसर है, ठीक है ना। ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है dy बाई डी एक्स फिर है प्लस 3y इक्वल टू ई पावर माइनस 2x दे रखा है, ठीक है इसके अंदर। हाँ अब कुछ नहीं है, आप देख लो। आप सबसे पहले अगर आप if निकालें इसका, तो क्या फॉर्मूला क्या आपका, ये वाला, ठीक है। भले आप तो ये यहाँ रख लें, ये इसके अंदर पुट कर रहा हूँ, तो e पावर p क्या आपके 3 और ये dx, ठीक है, तो e पावर आपके क्या आ गया 3x, क्लियर। यानी कि आपके if क्या आ गया e पावर 3x। अब सॉल्यूशन निकालना, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर लें आप y, if क्या आ गया आपके e पावर 3x और ये q आपके क्या था e पावर माइनस 2x और if आपके पास में e पावर 3x dx, ये प्लस c, आपका काम ही ख़त्म हो गया है। बचाई क्या देख लो आप, ये तो हो जाएगा y e पावर 3x इक्वल टू, यहाँ ओनली e पावर x बच गया प्लस c, तो ये आपके y e पावर 3x इक्वल टू e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही रहेगा c। आप इससे y की वैल्यू पुट कर लें, मतलब निकाल लें, e पावर 3x को डिवाइड में भेज दें, तो ये आपके हो जाएगा e पावर 3x से डिवाइड करोगे तो e पावर माइनस 2x प्लस c e पावर माइनस का 3x। आप चाहें तो इस फॉर्म में भी रह दें, वो किस फॉर्म मांग रहा है, बस ये आपके आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, ये आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पैटर्न है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। मैं अभी और लेता हूँ क्वेश्चन इसके। सब चीज़ें बिल्कुल सिंपल है, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर मैं फिफ्थ वाला ले लेता हूँ, क्योंकि सभी सेम पैटर्न है, इसलिए मेरे हिसाब से सब क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जैसे फाइव वाला थोड़ा अलग है, कोस स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, ये क्वेश्चन नंबर फाइव, और क्वेश्चन कह रहा है कोस स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स और प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स, प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स, इसका काम ये वाला समझ में आ गया आपको, हो जाएगा आपसे इक्वल टू टेन एक्स। यहां क्या है, मैंने कहा ना डीवाई बाई डी एक्स बिल्कुल फ्री रहना चाहिए, तो ये बन जाएगा आपके डीवाई बाई डी एक्स, निकालें आप इसका पहले, तो ये बन जाएगा आपके सेक स्क्वायर एक्स डॉट वाई इक्वल टू कोस स्क्वायर, से इसको डिवाइड करोगे तो साइन अपॉन कोस बन रहा है, ठीक है। तो यह भली इसको आप ऐसे लिख दें, अभी टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स पड़ा रहने दें इसको, ये आपकी पी हो गया, ये क्यू हो गया, बस अब आप आई एफ निकालें, तो ये ई पावर पी डी एक्स, मतलब पी कौन है आपके सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन ई पावर क्या हो जाएगा टेन एक्स, ये आपके आ गया ई पावर टेन एक्स। बस अब आपको इसके अंदर ये तो आ ही चुका आपके, ठीक है, ई पावर टेन एक्स, ये आपके आई एफ आ गया है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि ये जो बनेगा आपके आई एफ सॉल्यूशन क्या बन गया, इसके अंदर वाई और टेन एक्स है, तो ये आपके आई एफ की जगह ये पुट कर दें ई पावर टेन एक्स इक्वल टू क्यू आपके हैं टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स और आई एफ जो है आपके ई पावर
10x dx, बस सिंपल काम हो गया। यहाँ आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन अलग से करना पड़ेगा, इसको अगर आप i मान लें तो, और इसके अंदर आप क्या करें, लेट 10x इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो ये आपके, इसको अलग से करना होता वैसे तो, ध्यान रखना, तो ये क्या हो जाएगा, 10x को तो आपने ले लिया t, और sec स्क्वायर dx हो गया आपके dt, और ये e पावर 10x जो है वो आपके ये मतलब e पावर t बन जाएगा। बस अब आपके ये t e पावर t dt, तो ये आपके u इंटू v से होगा, कोई विशेष बात नहीं। तो आप इसको डायरेक्ट याद रख लिया करें, ये एक फॉर्मूले की तरह, जब मैंने इंटीग्रेशन करवाए हैं तब मैंने आपको बताया था कि इनको आप अलग से डायरेक्ट ही याद रख लें। तो ये बन जाएगा आपके u इंटू v से कर लो भले, तो इसका तो ये होता है वास्तव में e पावर t, चलो भले मैं कर लेता हूँ। इसका जो नियम है, इसका नियम क्या है आपको पता है, u इंटू v dx इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, u का है ना, v का नहीं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन dv, बस v dx और ये dx। तो यहाँ पर आप पहला आपके क्या हो जाएगा, फर्स्ट दूसरे का इंटीग्रेशन e पावर t रहेगा, माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन e पावर t, ठीक है, dt। तो ये बन जाएगा आपके e पावर t as it is और e t भी आपके t रहेगा। तो ये मैं यही कहना चाह रहा था कि आप इसको t माइनस वन e पर इंटू e पावर t आप याद रख लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत बार बार पड़ेगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें याद हो जानी चाहिए, मैं काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमारा समय बचाना है, तो बस t की जगह 10 पुट कर दें तो आपके ये फाइनली आंसर आ जाएगा, y e पावर 10x इक्वल टू t बाहर ले लें या ये e पावर, तो ये 10x माइनस वन और ये e पावर 10x हो जाएगा, प्लस c आप यहाँ लिख दें। ये आपके जो लीनियर पैटर्न का है एक फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे सवाल लगभग ऐसे ही है, ध्यान देना। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए अब मैं इसके अंदर क्या है कि ये जो पैटर्न था 9.6 के अंदर ही दो पैटर्न है ना, मैंने कहा मैं इसके अंदर क्या करता हूँ कि इसकी जगह चेंज कर लेता हूँ इन दोनों की जगह, और यहाँ मैं कर देता हूँ अब x x, ठीक है, और कहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा, यहाँ क्या बन जाएगा y, और यहाँ बन जाएगा y, ठीक है, यहाँ बन जाएगा x, ठीक है, और ये बन जाएगा y, और फिर इन दोनों की जगह p और q जो है वो आपके किसके y के फंक्शन बन जाएंगे। दूसरा पैटर्न नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं जैसे इसका कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर जैसे आप देखिए 10th वाला क्वेश्चन, इसी का x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन, क्वेश्चन नंबर 10th, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन। इस क्वेश्चन को आप देखें तो इस फॉर्म में अगर आप जमाएंगे पहले वाले में तो ये जमेगा ही नहीं, आप इससे डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो ये वन अपॉन एक्स प्लस वाई बन जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। तो अब इसमें ये तो वन अपॉन में आ गया, तो अब उसको पहले वाले फॉर्म में तो इसको अपन सेट कर ही सकते हैं, तो इसको क्या करते हैं अपन रेसिप्रोकल कर लेते हैं इसका व्युत्क्रम। तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन वन, ठीक है। अब आप देखो कि ये आपके डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस, और ये एक्स आप इधर ले आए माइनस में, ठीक है, इसको माइनस का मतलब इसको ऐसे ऐसे सेट कर लें क्योंकि एक्स के बाहर चाहिए ना अपने को, तो ये आपके माइनस वन बाहर एक्स और इधर वाई कर लें। देख लीजिए आपके ये एक्स बन गया, ठीक है, और ये जो टर्म है आपके
इसका वाई का फंक्शन बन गया, ये आपके वाई आ गया। ठीक है, मैंने कहा ना ये एक्स है तो ये भी वाई का फंक्शन, ये भी वाई का फंक्शन, पी और क्यू दोनों ही। क्लियर? तो अब पर अपने इसके अंदर क्या होगा, हम सबसे पहले आई एफ निकाल लेते हैं। तो ये आई एफ क्या हो जाएगा, ई पावर पी डी एक्स नो डी वाई। तो ये ई पावर पी यानी कि माइनस वन डी वाई, तो ये ई पावर माइनस वाई बन गया। अब हमारा सॉल्यूशन, हमारी जो बस बिल्कुल सिस्टम फिक्स है इसका हर बार, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर सेकंड वाले में एक्स आई एफ ध्यान देना, एक्स और ये आई एफ, ये लगेगा फॉर्मूला। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ फॉर्मूला यहाँ पे, आपको यहाँ लिखना है तभी ये याद होगा। एक्स आई एफ कितना है, ई पावर माइनस वाई इक्वल टू क्यू आपके क्या है वाई, और ये आई एफ यानी ई पावर माइनस वाई डी वाई प्लस सी। अभी मैंने आपसे यही कहा था कि ये ऐसी टर्म आपके बार बार आएगी, आप इसको u इंटू v से कर लें। तो ये पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, अभी बताया फॉर्मूला मैंने, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन तो वन, और दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस वाई अपॉन माइनस वन डी वाई प्लस सी। दिस इम्प्लाइज एक्स ई पावर माइनस वाई, तो माइनस वाई ई पावर माइनस वाई प्लस ई पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन वापस करोगे तो ये यहाँ पर आपके ये माइनस आ जाएगा, और ये ई पावर माइनस वाई प्लस सी। आप चाहें तो इस ई पावर माइनस वाई को सबसे डिवाइड कर लें, तो फाइनली आंसर जो आपके आएगा एक्स इक्वल टू वो माइनस वाई माइनस वन प्लस सी ई पावर वाई, ये इसका आंसर आ जाएगा फाइनली। तो ये पैटर्न चेंज था, ध्यान रखना ऐसे पैटर्न पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये ऐसे क्वेश्चन में। मैं इसका एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपके चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन में इसका थोड़ा अलग है, ध्यान देना, वो उसमें पता नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न का है ये, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 11 ही ले लेता हूँ, वाई डी एक्स 11th, y dx एक्स माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो, ये दे रखा आपके, आप इसमें इसको सेट कर ले। देखिए y, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को पहले प्रोसेस से करा रहा हूं और फिर मैं इसको डायरेक्ट कैसे करते जो बता रहा हूं, डायरेक्ट ध्यान देना। एक बार इसको मैं डायरेक्ट इसको ऐसे कर रहा हूँ प्रोसेस से, तो ये माइनस एक्स, या इसको डिवाइड में भेज दो ना पहले, अभी इसे डायरेक्ट नहीं करें, आप इसको इक्वल एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, और ये डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, ये देख लीजिए। अगर इसको आप डी वाई बाई डी एक्स जमाते तो ये सेट होता ही नहीं, अब इसको ऐसे कर लिया तो ये सेपरेट हो जाएंगे यहाँ से आराम से, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू, इनको सेपरेट करें आप यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वन अपॉन वाई माइनस वाई स्क्वायर से एक वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसके अंदर केवल वाई बच जाएगा। अब इसके अंदर सेम प्रोसेस, आप इसको इधर, क्योंकि ये एक्स बन रहा है तो इसके साथ में कौन सा चाहिए, देखो टर्म ये एक्स, तो ये आपके इसमें एक्स और एक्स जो है सेम बचने चाहिए, ये आपको पता ही है। तो ये इसको अपन ले लेते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई, और माइनस मतलब प्लस माइनस वन अपॉन वाई एक्स इक्वल टू ये माइनस वाई रह जाएगा, ये आपके इसके अंदर आपको ध्यान में रखना होगा ये, बस उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो ये डी एक्स बाई डी वाई पी एक्स इक्वल टू के बन गया इसके अंदर, मेरे हिसाब से अब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हो जाएगा आपके, या डायरेक्ट इसके अंदर, अब डायरेक्ट पी और क्यू आ गए तो अब डायरेक्ट आप क्या निकालेंगे इसके अंदर, डायरेक्ट आप आई एफ इसको निकाल लें, तो आई एफ इसका क्या बन जाएगा, बस वही पैटर्न, ये देख लीजिए ये आई एफ वाला सिस्टम, मैं इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये ई पावर क्या हो जाएगा, माइनस का वन अपॉन वाई
डी वाई इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस का लोग वाई, यानी कि ई से ई कैंसिल हो जाएगा, या इसको डायरेक्ट माइनस पहले पर भेज दो तो ये प्लस का लोग वाई पावर माइनस वन, तो फाइनली ये आपके वन पोन वाई आ जाएगा। ठीक है ना, आई एफ आ गया। अब अगला काम क्या है, सॉल्यूशन का। सब मैंने कहा ना एक ही पैटर्न, तो क्या हो जाएगा एक्स आई एफ इक्वल टू, ठीक है, तो ये एक्स और आई एफ यानी कि वन पोन वाई, और इंटीग्रेशन ये आपके क्यू, क्यू क्या था आपके माइनस का वाई, ये माइनस का वाई, और आई एफ क्या आया था वन अपॉन वाई। देख लीजिए कितना इजी काम हो गया। अब आप कहेंगे कि कितनी बार क्या होता है कि क्वेश्चन देख करके ना, ये तो एक दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाता है, क्या रहता हूँ होमोजीनियस मतलब बहुत लंबा चौड़ा होता होगा, डिफरेंशियल लीनियर वाला, तो इसमें तो इतना लंबा प्रोसेस है। लेकिन ध्यान से कर देखे तो इन प्रोसेस को अगर आ गया तो करने में कोई देर लगती है, कोई देर लगती है। तो ये वाई से वाई कटा, ये तो मैं आपको पूरा प्रोसेस से बता रहा हूँ इसलिए देर लग रही है। तो ये आपके एक्स अपॉन वाई, और ये वाई से वाई कैंसिल, माइनस का वाई प्लस सी, बस ये आंसर है। चाहो तो वाई इधर शिफ्ट कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बस ये रिड्यूसिबल टू लीनियर वाला जो है इसके बाद वाला है, लेकिन इसके अंदर भी दो पैटर्न थे। जो फर्स्ट वाला मैंने बता दिया, ये उल्टा डी एक्स बाई डी वाला, दो चीज़ें इसमें याद रखनी है। जब भी क्वेश्चन दिमाग में आए लीनियर के, तो दिमाग में ये चीज़ चलनी चाहिए कि इसमें लीनियर में भी दो पैटर्न हो सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स से नहीं हुआ तो डी एक्स बाई डी वाई से करना होगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से लीनियर वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आगे वाले सारे सवाल ऐसे ही है, आपको मतलब इजी वे में सवाल समझ में आ जाएंगे। अच्छा, एक मैं कह रहा था कि इस क्वेश्चन को अगर करें तो देखिए एक पैटर्न और है इसका। मैं इसमें क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को सेट कर रहा हूँ वाई डी एक्स माइनस और एक्स डी वाई और प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, डायरेक्ट होगी दिमाग में। देखो ये तो प्रोसेस था, अब इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं आपको, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये उल्टे बैठे हुए हैं, डी एक्स के साथ में वाई और वाई के साथ में एक्स। आपको अगर पता हो, हम एक चीज़ देखते हैं, जैसे यहाँ देख लो आप एक्स अपॉन वाई, अगर आप इसका अवकलन करते हैं तो क्या बनता है, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन वाई स्क्वायर, ये बनता है। ध्यान देना, ये ऐसे सेट करने पड़ेंगे वाई डी एक्स माइनस, तो देखो ये टर्म तो अपने इसमें क्वेश्चन में आई रही पहले से, ठीक है। अब इसके नीचे क्या चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए, आप इस पूरे को वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन गया, आप ये वाला बन गया आपके डी एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसल, डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, बस ये हो गया काम। आप देखो इस यही कर दो इंटीग्रेशन इसका, ठीक है, तो ये आपके एक्स अपॉन वाई प्लस वाई इक्वल टू सी, ठीक है, ये देख लो आप वाई इधर शिफ्ट कर दो तो प्लस में आ रहा है, वही आंसर आया। ये आपके डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो लोग ये किसके लिए, जेई मेंस एडवांस देने वाले और जो आरपीएससी के एग्जाम देने वाले, उनके लिए है ये, ऐसे सेट करना पड़ेगा। अगर इसकी जगह एक्स पहले होता ना वाई बाद में होता तो ये वाई अपॉन एक्स बन जाता, है ना, क्लियर, समझ में आ गया बिल्कुल। तो अब एक काम करते हैं, आज का एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको अगर ये समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, सभी साथियों को शेयर भी करें, आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। मैं आज का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपको करना है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, ये क्वेश्चन है 19 वाला, और ये कह रहा है कि 1 माइनस वाई स्क्वायर
डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई एक्स इक्वल टू ए वाई का समाकलन गुणांक है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में ए बी सी और डी। तो ए में दे रखा है आपके 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1, बी में दे रखा है 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 का रूट, सी में दे रखा है आपके, अच्छा डी आता है क्या, ए बी सी डी भूल गया, सी में दे रखा है 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर और डी में दे रखा है 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, आपको इसको सोल्व करना है और आंसर बताना है, अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गया तो। इसमें केवल समाकलन गुणांक यानी IF ही पूछा है, पूरा सॉल्यूशन नहीं पूछा है, और ये कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गया? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।